दोस्तों हाल ही में YouTube के 3 नए अपडेट आए हैं जो हर क्रिएटर के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। और गाइस एक अपडेट तो ऐसा है जो हर प्रकार के YouTube क्रिएटर की अर्निंग को बढ़ाएगा। तो चलिए जानते हैं कि YouTube ने कौन कौन से नए 3 अपडेट जारी किए हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑल पर सेव करना ना भूले, क्योंकि YouTube और Facebook से संबंधित नए अपडेटों की जानकारी हम आपको सबसे पहले पहुंचा सके। तो दोस्तों YouTube की तरफ से सबसे पहला अपडेट ये निकल गया है कि YouTube एक ऐसा फीचर ला रहा है और इस फीचर का नाम रहने वाला है टेस्ट एंड कंपेयर। इस फीचर के अनुसार अब हर क्रिएटर अपनी वीडियो पर 3 थंबनेल एक साथ लगा सकता है। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि थंबनेल तो सिर्फ एक ही लगता है, 3 कैसे लगाएंगे। चलिए मैं बताता हूँ आपको कि YouTube ये फीचर क्यों लेके आया है और इससे आपकी वीडियो को क्या लाभ है। तो दोस्तों YouTube के अनुसार जब आप अपनी एक ही वीडियो में 3 थंबनेल लगाएंगे तब YouTube एल्गोरिथम आपकी एक ही वीडियो को अलग अलग लोगों के पास अलग अलग थंबनेल के साथ भेजेगा और YouTube ये नोटिस करेगा कि आपके किस वीडियो के थंबनेल से CTR ज्यादा मिल रहा है। और YouTube एल्गोरिथम आपको 1-2 घंटे के अंदर यह कंफर्म कर देगा कि आपको तीनों थंबनेलों में से किस पर CTR ज्यादा मिल रहा है, और जिस पर CTR ज्यादा मिलेगा आप उसको अपनी वीडियो में लगा सकते हैं। और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी ऑडियंस को किस प्रकार के थंबनेल देखना पसंद है। और जब आप अपनी ऑडियंस के अनुसार थंबनेल और वीडियो बनाएंगे तो आपके व्यूज तो बढ़ेंगे ही और इससे साथ में आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी। तो ये अपडेट मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना। और चलिए बात करते हैं दूसरे अपडेट की। तो दूसरा अपडेट भी बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है और ये अपडेट उन लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है जो फैन क्लब चलाते हैं। फैन क्लब जैसे आपने क्रिकेटरों के ऊपर फैन क्लब बना रखा है जिसमें आप सभी क्रिकेटरों के बारे में बताते हो, या फिर बॉलीवुड मूवीज से या साउथ मूवीज से संबंधित आपने कोई फैन क्लब बना रखा हो। तो पहले क्या था, YouTube ने इन फैन क्लबों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बना रखी थी, लेकिन हाल ही में YouTube के जो नए अपडेट सामने आए उनमें YouTube ने बताया है कि जितने भी फैन क्लब है या तो ये ओरिजिनल उस आर्टिस्ट के ही चैनल होने चाहिए या फिर आपका एक ऑथोराइज फैन क्लब होना चाहिए। यदि आप अगर ऐसे ही फैन क्लब चला रहे हैं तो आपको अपने चैनल के नेम से और हैंडल से दोनों से ही इसको हटाना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि यह एक अनऑफिशियल चैनल है और जो आप उस पर जानकारी दे रहे हैं वो भी एक अनऑफिशियल है। अब आप उसको ऐसा नहीं दिखा सकते कि यह एक ओरिजिनल फैन क्लब है, और अब आप न तो उसका लोगो लगा सकते हैं और न ही उसका बैनर लगा सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि आप उनके फैन क्लब से कुछ भी नहीं ले सकते। और इस अपडेट की लास्ट तारीख है 21 अगस्त 2023। अगर 21 अगस्त 2023 के बाद तक भी अगर ऐसे फैन क्लब मिलते हैं तो उनके चैनल पर कार्यवाही की जाएगी और हो सकता है तो उसके चैनल को टर्मिनेट भी कर दिया जाए। तो अगर आपको ऐसा फैन क्लब चला रहे हैं तो उसका हैंडल, उसका नेम, उसका लोगो सब कुछ आपको बदलना पड़ेगा। यानी कि अब आप उसको ओरिजिनल फैन क्लब के जैसा नहीं रख सकते। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो अबाउट में लिख देते हैं दिस इज ए अनऑफिशियल फैन क्लब। तो अब आप ऐसा भी नहीं कर सकते, अब आपको अपना फैन क्लब पूरा ही अनऑफिशियल तरीके से रखना ही पड़ेगा। तो ये काफी चैनलों के लिए एक बुरा अपडेट भी है। और अब बात करते हैं सबसे मेन अपडेट की। दोस्तों आपके दिमाग में भी कई बार ये ख्याल आया होगा कि हमारी वीडियो भी काश फॉरेन कंट्रीज में देखी जाती, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में इंडिया के मुकाबले रेवेन्यू ज्यादा बनता है। तो YouTube यहाँ पर क्या कर रहा है कि YouTube एक AI पावर्ड डबिंग टूल लेकर आ रहा है जिससे कि विदेशों के लोग भी अब आपकी भाषा को उनकी भाषा में ट्रांसलेट करके आपकी वीडियो को देख सकते हैं। और YouTube का यह अपडेट बहुत ही जल्दी आने वाला है, क्योंकि कुछ दिन पहले YouTube का एक अपडेट आया था जिसमें YouTube ने बताया था कि वह अब मल्टी लैंग्वेज लेके आने वाला है, लेकिन यह अपडेट पहले वॉइस ओवर में ही आने वाला था। लेकिन YouTube फाइनली इस अपडेट को विदेशों में ट्राई भी कर रहा है, और अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो ये इंडिया में भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। और अगर ये अपडेट इंडिया में लॉन्च हो जाता है और आपकी वीडियो को फॉरेन कंट्रीज में देखा जाता है तो जो आपका रेवेन्यू है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के मुकाबले जो फॉरेन कंट्रीज से व्यूज आएंगे उनके पैसे आपको ज्यादा मिलेंगे। तो दोस्तों मुझे तो ये अपडेट बहुत ही अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर जरूर से सेव करें, क्योंकि YouTube और Facebook से संबंधित नए अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए।